नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस गुर्जर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आपकी फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं फतेह सागर झील के बारे में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? फतेह सागर झील, तो फतेह सागर झील है दोस्तों उदयपुर में। कौन से ज़िले में है? उदयपुर में है। अब बात करते हैं इसके निर्माण को लेकर कि इस झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया, कहाँ पर करवाया, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस झील के निर्माण की मैं बात करूँ तो इस झील का निर्माण करवाया था जय सिंह ने। किसने करवाया था? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण कब करवाया इसका? निर्माण इसका करवाया गया 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों ध्यान रखना है, इस झील की निर्माण की अगर बात की जाए तो निर्माण जय सिंह ने करवाया था, लेकिन इसकी नींव, इस झील की नींव जो रखने वाला था, नींव किसके द्वारा रखी गई? तो इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों ड्यूक ऑफ कनौड के द्वारा। ड्यूक ऑफ कनौड, ड्यूक ऑफ कनौड के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है दोस्तों। ड्यूक ऑफ कनौड ने इसकी क्या रख दी दोस्तों? नींव रखी थी इसकी, ठीक है। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि जो आपकी फतेह सागर झील है इसकी नींव कहाँ रखी जाती है? तो इस झील की जो नींव रखी गई वो नींव रखी गई थी देवाली नामक स्थान पर। या इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? देवाली नामक स्थान, देवली या देवाली नामक स्थान पर इस झील की नींव रखी जाती है। इसी कारण इस झील को क्या कहते हैं दोस्तों? देखो ड्यूक ऑफ कनौड ने नींव रखी, इस कारण से इसको कहते हैं कनौड बांध। क्या कहते हैं इसको? कनौड बांध इसको कहते हैं, पहला नाम कनौड बांध। नंबर दो, इस झील की नींव देवली या देवाली नामक स्थान पर रखी गई, इस कारण से इसको देवली तालाब भी कहते हैं। देवली या देवाली तालाब या देवाली तालाब, देवली या देवाली तालाब के नाम से भी इसे जानते हैं। लेकिन मेरे मित्रों अभी इसको किस नाम से जानते हैं? फतेह सागर से। तो फतेह सागर नाम किसने, फतेह सागर नाम से क्यों जाना जाता है इसके बारे में अगर बात करें तो इस झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था? इस झील का पुनः निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों, पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। ये आपके फतेह सिंह, फतेह सिंह जी ने इसका पुनः निर्माण करवाया, इस कारण ये झील कहलाती है फतेह सागर झील। या तक क्लियर? देखो हम बात कर रहे हैं फतेह सागर झील की, निर्माण करवाया किसने, सॉरी माफी चाहूंगा, फतेह सागर झील है कहां पर? उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण करवाया कब था? 1688 ईस्वी में। लेकिन इसकी नींव रखी किसने? इसकी नींव रखी ड्यूक ऑफ कनौड ने। किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनौड ने इसकी नींव रखी। और नींव कहां पर रखी इसकी? तो इसकी नींव रखी देवली नामक स्थान पर, देवली या देवाली नामक स्थान उदयपुर में इसकी नींव रखी गई। इसी कारण इस बांध को, सॉरी इस झील को देवली या देवाली तालाब भी कहा, जबकि इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनौड के हाथों से रखी जाने के कारण इसको क्या कहते हैं? इसको कनौड बांध भी कहते हैं। उसके बाद पुनः निर्माण करवाया किसने दोस्तों? तो पुनः निर्माण करवाया फतेह सिंह ने, इस कारण से ये आपकी झील कहलाई फतेह सागर झील। यहां तक क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं, यह जो आपकी झील है फतेह सागर, इस फतेह सागर झील पर एक टापू है। क्या नाम है उसका? आइसलैंड, सॉरी मैं पूछूंगा, नेहरू आइसलैंड या नेहरू उद्यान। इस झील पर स्थित जो टापू है उसको क्या कहते हैं? नेहरू उद्यान के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। और इस झील के इस टापू में कहते हैं चारों ओर क्या बनी हुई है? छतरियां बनी हुई है। उसके बाद आगे बात करें तो इसी झील के किनारे राज्य की पहली सौर वेधशाला, राज्य की प्रथम सौर वेधशाला, सौर वेधशाला
ये शोर वेधशाला, राजस्थान की पहली शोर वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? फतेह सागर जेल पर स्थापित की गई गुरुजी। कब की गई थी? तो ये भी ध्यान रखना है, 1975 ईस्वी में की गई मेरे दोस्तों। कब की गई थी? 1975 ईस्वी में यहाँ पर ये स्थापित की जाती है। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों, यह जो आपकी फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील के किनारे यहाँ एक गाँव बसा हुआ है, सॉरी एक गाँव है और उसको कहते हैं शिल्प ग्राम। कौन सा गांव है? शिल्पग्राम। ये लो साहब, शिल्पग्राम। और वो शिल्पग्राम कौन सा है? उसका गांव का नाम है हवाला ग्राम, या उसे कहते हैं हवाला ग्राम। हवाला ग्राम कहाँ पड़ता है आपका? उदयपुर में पड़ता है। हवाला ग्राम की क्या विशेषता है? राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम, राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम, राज्य का पहला शिल्पग्राम हवाला ग्राम कौन से जिले में है? उदयपुर में है। कौन सी झील के किनारे है? तो यहाँ फतेह सागर झील के किनारे दोस्तों ये स्थित है। उसके बाद बात करें तो यहीं पर एक स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है, और ये स्मारक किसका बना हुआ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। किसका स्मारक बना है? तो जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। प्रताप का स्मारक। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये जो जगत श्रोमणी महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, ये स्मारक बना कहाँ पर है? मोती मगरी नामक स्थान पर, मोती मगरा नामक स्थान। मोती मगरा नामक स्थान पर ये जगत श्रोमणी महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इसी झील के किनारे आपने नाम सुना होगा सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। और ये सहेलियों की बाड़ी कौन सी झील पर है, कौन सी झील के किनारे है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहेलियों की बाड़ी कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा फतेह सागर झील। कौन सा होगा दोस्तों? फतेह सागर झील आपका आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि इस झील को जोड़ा गया है, ये जोड़ दिया साहब, किससे जोड़ा गया है? अभी बताएंगे किससे जोड़ दिया है। ये लो, इधर झील स्थित है और उस झील का नाम है पिछोला झील। ये आपकी झील है और झील का क्या नाम है? पिछोला, जो पिछली क्लास में अपन ने देखी थी, पिछोला झील। और इस पिछोला झील को जोड़ दिया गया है, किससे जोड़ दिया गया है? फतेह सागर से। या इस फतेह सागर को जोड़ दिया गया है किससे? पिछोला से। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो तंग झील है, किसको? फतेह सागर को और पिछोला को आपस में जोड़ने वाली जो तंग झील है, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसको कहते हैं स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर झील। ये लो साहब, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मेरे दोस्तों स्वरूप सागर झील। अब बात यह आती है कि स्वरूप सागर झील किसने बनवाई थी? तो इसको, इसका निर्माण करवाने वाला, या इसका निर्माण करवाया गया 1857 ईस्वी में, और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह। बिल्कुल, ये लो साहब, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इसका क्या करवा दिया? इसका निर्माण करवा दिया। किसका? तो स्वरूप सागर का। मतलब पिछोला को और स्वरूप सागर दोनों को आपस में क्या करवा दिया इसने? सॉरी, पिछोला को और फतेह सागर को दोनों को आपस में जुड़वा दिया। किसके माध्यम से? स्वरूप सागर के माध्यम से। या क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि दोनों झीलों को जोड़ने वाली तंग झील को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? दोनों झीलों को जोड़ने वाली तंग झील को यहाँ कहते हैं स्वरूप सागर झील। क्या कहते हैं? स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो बेल्जियम में निर्मित इस झील पर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप
किसकी सहायता से? बेल्जियम की सहायता से। बेल्जियम की सहायता से इस झील पर या इस झील के किनारे क्या स्थापित किया गया है? टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा है या टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ बात करने वाले हैं या फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं फतेह सागर झील को लेकर। फतेह सागर झील है कहाँ पर? उदयपुर में। दोस्तों मैं कह रहा हूँ फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1688 में इसका निर्माण करवाया। जबकि इसकी नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनौड ने इसकी नींव रखी थी। और नींव कहाँ रखी? तो देवाली या देवली नामक स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है, नींव ड्यूक ऑफ कनौड ने रखी कहाँ पर? देवली या देवाली नामक स्थान पर। कनौड ने नींव रखी थी इस कारण तो कनौड बांध कहते हैं, और देवली या देवाली नामक स्थान पर नींव रखी थी इस कारण देवली या देवाली तालाब के नाम से इसको जानते हैं। जबकि इसका पुनर्निर्माण मतलब ये टूट गई थी तो इसका दोबारा से जो निर्माण करवाने वाला शासक था वो था महाराणा फतेह सिंह। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया महाराणा फतेह सिंह ने। अब पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया इस कारण इसको कहते हैं फतेह सागर। मतलब इसके कितने नाम हो गए? कनौड बांध, देवली या देवाली तालाब और फतेह सागर झील के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? फतेह सागर झील को। उसके बाद आगे बात करते हैं, इस झील में टापुओं की संख्या है एक। कितने टापू हैं? एक टापू है नेहरू आइसलैंड। क्या कहते हैं उसको? क्या नाम है उसका? नेहरू आइसलैंड। या आप यूं कह सकते हैं कि इस पर एक उद्यान लगा हुआ है इस कारण इसको कहते हैं नेहरू उद्यान, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं तो दोस्तों यह जो झील है इसी झील के किनारे राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है हवाला ग्राम। क्या नाम है दोस्तों? हवाला ग्राम। राज्य का पहला शिल्प ग्राम हवाला ग्राम इसी झील के किनारे स्थित है। कौन सी झील के किनारे? आपकी फतेह सागर झील के किनारे। यही इसी झील के किनारे जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप का मोती मगरा नामक स्थान पर स्मारक बना हुआ है। कौन सी झील पर? फतेह सागर पर। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली सौर वेधशाला 1975 में कहां स्थापित की गई? उदयपुर जिले में। कौन सी झील के किनारे? फतेह सागर झील के किनारे स्थापित की जाती है। और यही पर बेल्जियम की सहायता से टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? तो टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? बेल्जियम की सहायता से। अब उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि इस झील को पिछोला से जोड़ दिया है। पिछली क्लास में अपन ने जब पिछोला पढ़ा था उस समय भी देखा था कि पिछोला को फतेह सागर से जोड़ा गया है, ठीक है। तो पिछोला को और फतेह सागर को जोड़ने का काम कब किया गया था? 1857 में किया गया। किसके द्वारा? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा किया गया। अब जोड़ने के लिए जो तंग झील इन्होंने बनवाई थी, इस तंग झील को क्या कहते हैं? ये आपको ध्यान रखना है, उसको कहते हैं फतेह सागर झील। क्या कहते हैं दोस्तों? फतेह सागर झील के नाम से इसको जानते हैं। और इसी झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी। किसकी बाड़ी? तो इसी झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है दोस्तों। कौन सी झील के किनारे? तो आपको ध्यान रखना है फतेह सागर झील के किनारे। तो दोस्तों ये थी अपनी फतेह सागर झील। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।